नमस्कार, टेक्निकल फीड में आप सभी को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SBM बैंक CSP के बारे में। SBM बैंक CSP में किस प्रकार से काम होता है, ऑलरेडी मिल रहा है भाई, बहुत सारे लोग ले रहा है, हमारे यहाँ पे भी एक बंदा CSP लिया है, किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से कमीशन मिलता है और क्या क्या काम होता है, हम आपको यहाँ पे जानकारी कर देते हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों को वो CSP में ले जाके दिखाएंगे कि। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि CSP के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस CSP के माध्यम से किस प्रकार से काम कर सकते हैं, कितना सर्विसेज दे सकते हैं कस्टमरों को। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग को लेके। अकाउंट ओपनिंग वहां पे आप कर सकते हैं सेविंग अकाउंट एंड माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट यानी कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा है, 10 साल से ऊपर उसका आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और 18 साल का ऊपर का भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल सकते हैं, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, बिना पैन कार्ड के भी सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आधार बायोमेट्रिक का फिंगर स्कैनिंग लिया जाता है और आपका अकाउंट ओपनिंग इंस्टेंट हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए या फिर SBM बैंक CSP को लॉगिन करने के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना जरूरी है, उसके बाद ही आप काम कर सकते। अभी तक मोबाइल वर्जन इसका नहीं आया है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि सारे फैसिलिटी आप ले सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज का। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है, यानी कि जीरो बैलेंस में आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, बिना पैसा डिपॉजिट किए आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग हो जाता है और चाहे तो आप कस्टमर को प्रिंट करके रिसीव दे सकते हैं। आप जिसका भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे या फिर अगर आप CSP के माध्यम से किसी का अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, अगर वो बंदा ATM कार्ड मांगता है तो आपको ATM कार्ड अलग से अप्लाई करना होता है, जिसका आपको कोई भी अलग से चार्ज देना नहीं होता है। और वो SBM बैंक ATM कार्ड बाय पोस्ट 7 से 5 दिन के अंदर कस्टमर के एड्रेस पे आ जाता है। ATM कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए चाहे वो CSP में भी ATM कार्ड पिन जनरेट कर सकता है या मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM मशीन में भी जाके ATM पिन जनरेट कर सकता है। जो ATM कार्ड मिलेगा उस ATM कार्ड के माध्यम से डेली 50,000 का लिमिट मिल जाता है, यानी कि 50,000 रुपीज तक डेली विड्रॉ कर पाएंगे। एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री देता है उस ATM कार्ड में, उसके बाद आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपको चार्ज लगेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम उस बैंक में अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो क्या हमारा गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आएगा। तो बिल्कुल हाँ, उस बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट स्कीम का भी पैसा आएगा। इस बैंक में आप सारे गवर्नमेंट स्कीम का पैसा ले सकते, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, PM किसान हो गया, पेंशन का हो गया इत्यादि सारे गवर्नमेंट स्कीम का पैसा ले सकते हैं। अन्यथा इस बैंक अकाउंट में आप किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम अन्यथा अन्य पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं। SBM बैंक CSP के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग के अलावा आप वहाँ पे FD अकाउंट, RD अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं एंड APS का मजा ले सकते हैं। APS के जैसा किसी भी बैंक अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं एंड बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, NEFT सब कुछ कर सकते हैं। SBM बैंक CSP पोर्टल के माध्यम से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस बैंक CSP का प्राइस 10,000 रुपया यानी 9,999 रुपया लगता है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका 7 से 10 दिन के अंदर CSP एक्टिव हो जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। CSP के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे या फिर CSP के लिए जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, आपके WhatsApp पे पूरा डिटेल्स भेजा जाएगा, कमीशन लिस्ट, अकाउंट ओपनिंग किस प्रकार किया जाता है और APS के माध्यम से कैसे ट्रांजैक्शन करें, फंड ट्रांसफर कैसे करें, डीमैट अकाउंट कैसे करें, FD अकाउंट, RD अकाउंट कैसे करें, सारे ट्रेनिंग आपको डिटेल्स में दे दिया जाता है। SBM बैंक CSP अगर आप लेना चाहते हैं कहीं से भी, कहीं पे भी, तो आप ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको 9,999 रुपया लगेगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कैसे किया जाता है वीडियो बना हुआ है, वीडियो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वो देख के आप CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी में। आपको और कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को प्रेस जरूर करें।